हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। और ये केक जो है मैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बना रही हूँ और इसे मैं इस प्रीमिक्स से बनाऊंगी जिसे मैं घर में ही बना के तैयार की हूँ। इसके ऊपर में डिटेल वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें और ट्राई करके बताएँ कि आपको ये प्रीमिक्स कैसी लगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कप प्रीमिक्स और साथ में ले रही हूँ 1/2 कप तेल। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका बैटर को बना लेंगे। दूध को अच्छे से उबाल ले, उसके बाद में ठंडा होने तक यानी कि रूम टेम्परेचर तक आने तक ही इसे ठंडा करना है, उसके बाद ही यूज करना है। तो यहाँ हमारा बैटर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या पतला नहीं है, बिल्कुल इस तरह रिबन कंसिस्टेंसी का चाहिए। तो मैं यहाँ इसे मैंगो फ्लेवर में बना रही हूँ, तो जैसे कि केक का बैटर जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टीस्पून जितना मैंगो का एसेंस और 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे लेमन येलो जेल कलर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ ये जेल कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर जब हम केक की कटिंग करेंगे तो अच्छी दिखेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे डाली हूँ। तो बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है, तो मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। इसे 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में मैं 55 मिनट के लिए बेक की थी, तब जाके बेस जो है हमारा अच्छे से पका था, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज का है। आप इसे चाहे तो पतीले में या इतनी की कढ़ाई में गैस के ऊपर भी बेक कर सकते हैं, पर ओवन है इसीलिए मैं उसी में ही बेक कर ले रही हूँ। तो अब जैसे कि ये ज़्यादा है तो इसीलिए मैं इसे ढक के बेक करूँगी, जिससे इसके ऊपर के परत जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगे और सॉफ्ट ही रहेंगे। तो अब इसे हम ढक देते हैं और बेक होने के बाद, ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ 55 मिनट में बेक की, उसके बाद में ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। तो इसके नाइफ्स लेंगे और इसके साइड्स को हम अलग कर लेंगे। कभी भी ओकेजन हो तो मैं घर में ही केक बना के तैयार करती हूँ, जिससे जो है बहुत अच्छा लगता है और इससे जो है केक भी जो है मार्केट से हमें लाना नहीं पड़ता, और अपने पसंद से अपने हिसाब से मैं केक बना के तैयार कर लेती हूँ। तब बटर पेपर को निकाल लेंगे और इसको को मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है, और इसके ऊपर के पार्ट्स को जो है हम निकाल लेंगे। इसमें जो है क्रीम नहीं लगती है, इसे ज़रूर निकालें। तो यहाँ आप इसकी जाली देख सकते हैं। तो अब इसे 3 स्लाइस में कट कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 कप क्रीम को मैं पहले से ही व्हीप करके रखी थी, और इसमें 2 चम्मच जो है मैंगो का एसेंस डाल दी थी। और यहाँ 1 कटोरी में थोड़ा सा चीनी लेंगे और 1 से 2 चम्मच डालेंगे मैंगो का क्रश, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस शुगर सिरप को जब हम यूज करेंगे तो बेस में जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ हम थोड़ा सा क्रीम लगा के पहले नीचे वाले पार्ट्स को ही रखेंगे, और इसे पानी से हमें अच्छे से सोक करना है, नहीं तो ये जब हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे तो ये टाइट हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल पानी में यहाँ पे कंजूसी ना करें, अच्छे से पानी डालें। और यहाँ पे आप चाहे तो जितना कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम लगा के यहाँ पे आप इसे अच्छे से फैला लें। उसके बाद में हम इसके ऊपर मैंगो का क्रश को भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फैला देंगे। इससे पहले भी बहुत सारी केक की रेसिपी जो है मैं आपके साथ में शेयर की हूँ, और सब जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे आप घर में ही केक बना सकते हैं, तो आप जाके ज़रूर देखें और ट्राई करें। इस केक में भी मैं बिना नोजल के ही आज तैयार करूँगी, और आप देखेंगे कि बेकरी से भी वो अच्छी लगती है देखने में, और जब इसे आप ट्राई करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसका टेस्ट भी कितना अच्छा आता है। और साथ ही साथ हम इसकी साइड्स को भी क्लीन करते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मिडिल वाले पार्ट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे भी पानी से अच्छे से सोक कर लेंगे। और यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा क्रीम लगा के इसे अच्छे से फैला लेंगे, यानी कि क्रम कोट कर लेंगे। इससे जब हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे तो केक के जो ब्रेड क्रम्स है वो हमारे क्रीम में नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से क्रम कोट हो चुका है, और अब यहाँ पे आप चाहे तो जितना क्रीम चाहे उतना लगा सकते हैं।
और इसे जितना हो सके हम फिनिशिंग देंगे। यहाँ आप चाहे तो स्पैचुला से या फिर इस तरह के कार्ड भी आते हैं उससे, या फिर एटीएम के कार्ड जो आते हैं उससे भी आप इससे फाइनल फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है केक, अब हम इसमें फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो थोड़ी सी क्रीम बची है तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पर्पल कलर, पर जब मैं इस कलर को डाली तो ये पर्पल नहीं होने के कारण ये ब्लू हो गया था, तो इसीलिए मैं अब इसमें डाल दूँगी पिंक कलर और इसे हम फिर से कर लेंगे मिक्स। केक का कॉम्बिनेशन जो है मुझे पर्पल और वाइट रखना था, पर पर्पल कलर नहीं होने के कारण मैं इसमें पिंक कलर का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे आधे केक से जिग जैग पैटर्न में हम यहाँ पे क्रीम को लगाएंगे। और यहाँ पे एक एटीएम कार्ड से लेकर मैं इस तरह इसे मिक्स कर ले रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास जो है इस तरह गोल्डन का डस्ट था, इसे मैं यहाँ पे एक से दो ड्रॉप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से लगा देंगे इस तरह। तो यहाँ गोल्डन का डस्ट जो है अच्छे से चारों तरफ लग गया है। और इसके ऊपर में मैं ये टॉपर यूज कर रही हूँ, जो एक है ये मेकअप का टॉपर और साथ में ये बर्थडे का टॉपर भी है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ नाम। तो आपको ये केक की रेसिपी और डिज़ाइन जो है कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिल्वर डस्ट, इससे जो है जब रात में केक को आप कट करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी और देखने में भी इसका लुक जो है बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर मैं सारे टॉपर को अच्छे से सेट कर देंगे और साथ में मैं यहाँ पे लगा दी थी थोड़ी सी बटरफ्लाई भी। तो आपको ये केक की डिज़ाइन जो है कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।